हेलो एवरीवन, मैं रजत कुमार पारिक फ्रॉम हॉलीडे प्लानर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉलीडे प्लानर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। तो जैसा कि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस से जो भी ट्रैवल अपडेट या ट्रैवल इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम आपको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रैवल अपडेट होने वाली है, जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, वो रशिया वीज़ा के बारे में है, जो कि रिसेंटली अभी रशिया का जो ऑनलाइन वीज़ा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बारे में जो ऑनलाइन भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने ये हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर ले, जिससे कि मैं जो लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रहेगी वो आपको ईजिली मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये रशिया का जो ऑनलाइन वीज़ा है, जो ई वीज़ा है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है। ये 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो वीज़ा है वो किन किन कैटेगरीज के अंदर अभी स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर जो कैटेगरीज अभी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी ऑनलाइन वीज़ा के अंदर, जो है टूरिस्ट और बिजनेस कैटेगरी। इसके अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन जो वीज़ा जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो 1 अगस्त से अगर आपको एंट्री करनी है तो वो आप अभी नहीं कर पाएंगे, जब आपका वीज़ा इशू होगा उसके बाद में ही आप एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये वीज़ा है उसकी जो एंट्री है वो किस टाइप से रहने वाली है। जो एंट्री आती है, जैसे कि सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री, तो एंट्री जो ऑनलाइन वीज़ा में आएगी वो आपके ओनली फॉर सिंगल एंट्री। अगर आप फर्स्ट आप एक सिंगल ट्रिप के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो आप जो ऑनलाइन वीज़ा है उसके लिए आप एलिजिबल है। अगर आपको डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री में आपको ट्रैवल करना है तो आपको स्टिकर वीज़ा ही लेना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी रहने वाली है। जो रशिया का जो ऑनलाइन वीज़ा जो स्टार्ट होने वाला है उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके 60 डेज मीन्स 2 मंथ्स के लिए रहने वाली है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो स्टे पीरियड है इसके अंदर कितना मिलेगा। इसके अंदर आप मैक्सिमम जो स्टे पीरियड है वो 1 डे से लेके 16 डेज, एक दिन से लेके 16 दिन तक आप इजीली आप स्टे कर सकते हैं। अगर 16 दिन से ज़्यादा अगर आपका जो ट्रिप है वो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है तो उसके लिए आपको स्टिकर वीज़ा की नीड रहेगी। इस बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए जो नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आप कमेंट बॉक्स में भी आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।